अध्याय चार देख रहे हैं, कार्यपालिका द एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका, कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मतलब समझिए कि कार्य काम करने, पालिका पालन करना, किसी कार्य का पालन करना, जो कार्य का पालन करेगा या कार्य को अंजाम देगा, कार्य को फ्रूटफुल तरीके से इसको एंड करेगा, उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। सरकार के उस अंग को कार्यपालिका कहते हैं जो कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। संगठन यानी कि हमारा प्रशासन, सरकार जो भी कानून, नियम, नीतियां वो बनाती हैं, उनको लागू करना, उनको एग्जीक्यूट करना, उसको एक्चुअल लैंड पे पहुंचाना, उसे हम कहते हैं कार्यपालिका। तो सरकार का वो अंग कार्यपालिका है जो नियमों कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, जिसे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, कार्यपालिका होती है वो। कार्यपालिका, विधायिका, विधायिका कौन होते हैं? विधायिका लेजिस्लेटिव, एमएलए और जो हमारे सांसद हैं, एमपीज, यानी पार्लियामेंट हो गया सांसद, और विधानसभा, विधानमंडल हम कह लें उसको, विधानमंडल में विधानसभा और आपका विधान परिषद दोनों आ जाता है। तो विधायिका जहां पर कानून बनते हैं, तो कार्यपालिका विधायिका द्वारा जो नीतियां और कानून बना दिया गया है, स्वीकृत कर दिया गया है, उनको लागू करना, क्योंकि कानून बनाना तो एक बात है, उनको लागू करना, उनको चरितार्थ करना, ये इसकी जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जो मंत्री होते हैं, जिसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री के अलावा जितना भी प्रशासनिक ढांचा है, सिविल सेवा के जो सदस्य आते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वगैरह की हम बात करेंगे, सिविल सेवा के जो सदस्य हैं वो सब आते हैं। तो राजनीतिक कार्यपालिका, इसमें सरकार के प्रधान और उनके मंत्री होते हैं। दो तरीके की कार्यपालिका होंगी, एक राजनीतिक कार्यपालिका, एक स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में जो सरकार के प्रधान हैं और जो मंत्री हैं, जैसे आपके चीफ मिनिस्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, और जो मंत्रीगण हैं वो राजनीतिक कार्यपालिका हो गए, और ये सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। कौन? राजनीतिक कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका क्या होती है? स्थायी मतलब जो हमेशा स्थायी रहेगी, चेंज नहीं होगी। ये वो लोग हैं जो रोज रोज के या हर दिन के जो प्रशासन के लिए ये उत्तरदायी होते हैं, और इनको हम स्थायी कार्यपालिका में रखते हैं। अलग अलग देश की बात करें तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, यानी कि एक राष्ट्रपति है, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप है, उनके पास सारी कार्यकारी शक्तियां होती हैं। कनाडा की बात करें तो यहां पर संसदीय लोकतंत्र है और संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें महारानी जो है वो राज्य की प्रधान है, जिनको हम अलंकारिक राजा मानते हैं, और प्रधानमंत्री सरकार के प्रधान है, जैसे जस्टिन ट्रेड्यू है अभी वहां पर। फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। अर्ध अध्यक्षात्मक का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति केवल अलंकारिक हो, केवल बस साइन एंड सिग्नेटरी अथॉरिटी हो, बल्कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति करता है, साथ में उनको अपने पद से हटा नहीं सकता, क्योंकि वह संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जापान में कैसे है? संसदीय व्यवस्था है, राजा जो है वो देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, उनका लीडर होता है। इटली में एक संसदीय व्यवस्था है, राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। रूस में अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, जिसमें जो राष्ट्रपति है, जैसे अभी पुतिन साहब है, वो व्लादिमीर पुतिन, वो देश के प्रधान है, और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जो प्रधानमंत्री है वो सरकार का प्रधान है। जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के हैं, और चांसलर एंजेलिना मार्कल साहिबा है अभी, वो सरकार के प्रधान है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था, इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है, एक ही आदमी देश का, सरकार का, दोनों का प्रधान होगा। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही किसके पास होते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, इसके पहले ओबामा साहब, अमेरिका, ब्राजील और लैटिन अमेरिका के कई देशों में यह व्यवस्था हमको मिलती है। संसदीय व्यवस्था जैसे कि हमारे देश में है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, और इसमें एक राष्ट्रपति भी हो सकता है, राजा भी हो सकता है, लेकिन वो केवल अलंकारिक होता है, नाम मात्र होता है, सिग्नेटरी होता है वो केवल। प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। तो भारत, जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड, पुर्तगाल, यहां पर संसदीय व्यवस्था है। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में
इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही होते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति है वो उसको दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति नाम मात्र है, वहां राष्ट्रपति नाम मात्र नहीं होता है, उसके पास भी पावर है, प्रधानमंत्री के पास भी पावर है। जैसे फ्रांस, रूस और श्रीलंका में ऐसी व्यवस्था है। भारत में जो संसदीय कार्यपालिका है, हमारा जो संविधान बना तो जो फ्रेमर्स थे, निर्माता थे, वो ऐसा चाहते थे कि जो जनता की अपेक्षा है उसके प्रति जो लोग हों जिनको वो चुने और जो कार्यपालिका बने, यानी कि जो उनके काम को लागू करे बेसिकली, तो वो जनता के प्रति संवेदनशील हो, उत्तरदायी हो, ऐसा केवल संसदीय कार्यपालिका में हो सकता है। तो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, क्योंकि यहां पर राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियां होती है, तो ऐसा हो जाता है कि पूजा हो जाती है उस आदमी की, लोग पूजा करने लगते हैं। तो जो हमारे निर्माता थे संविधान के, वो ऐसी सरकार चाहते थे जहां पर जो कार्यपालिका है, जो एक्चुअल कानून लागू करने वाली है, ग्राउंड तक पहुंचाने वाली है, वो पावरफुल हो। लेकिन साथ साथ में जो व्यक्ति पूजा होने लगती है कि भाई किसी को पूजने लगे आप, भगवान बना लिया आपने, उस पर अंकुश लगा रहे, उसमें रोक लगी रहे। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, नियंत्रित भी होती है। यानी संसदीय व्यवस्था जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें जो लेजिस्लेचर है वो कार्यपालिका को और जनता भी कार्यपालिका को देख सकता है, उनके कार्यों की समीक्षा कर सकता है। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को हमने स्वीकार किया है। चाहे हम नेशनल लेवल की बात करें, चाहे स्टेट लेवल की बात करें, दोनों जगह पर हमारे यहाँ कार्यपालिका संसदीय है। भारत में इस व्यवस्था में जो राष्ट्रपति है वो औपचारिक प्रधान होता है, यानी नाम मात्र का होता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, यानी कि जिन लोगों ने इलेक्ट किया है उनका जो लीडर है, ये लोग जो होते हैं सरकार को चलाते हैं, जो मेजॉरिटी में होते हैं, जो सरकार बनाते हैं। और राज्यों के स्तर पर जो राज्यपाल होते हैं वो भी इसी तरीके से नाम मात्र होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने जिनको नेता बनाया है या जिनको मिनिस्ट्री दी है, मंत्रिपरिषद, वो मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। औपचारिक रूप से जो संघ है उसकी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं, औपचारिक रूप से। देखिए औपचारिक मतलब फॉर्मल ढंग में, लेकिन जो एक्चुअल में होता है, जो ग्राउंड पे होता है, उसमें प्रधानमंत्री और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके पास प्रॉपर शक्तियां होती हैं और वो राष्ट्रपति के थ्रू इन शक्तियों का यूज करते हैं। राष्ट्रपति जो है वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, ये अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाते हैं। और इनका निर्वाचन कौन करता है? इनका निर्वाचन सांसद करते हैं और विधायक मिलके करते हैं, सांसद और विधायक मिलके करते हैं। यानी कि यहां पर पीआर सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, यानी जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व का तरीका अपनाया जाता है राष्ट्रपति के लिए। और यह निर्वाचन जो है वो मैंने जैसे पढ़ाया, इस प्रणाली से, पीआर सिस्टम से किया जाता है और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत से होता है। संसद राष्ट्रपति को महाअभियोग, इम्पीचमेंट कहते हैं इसको, इस प्रक्रिया के द्वारा उनको अपने पद से हटा सकती है। लेकिन महाअभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है, इतना आसान नहीं है किसी के ऊपर इम्पीचमेंट करना, खासतौर पर राष्ट्रपति और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वगैरह है उनको इम्पीचमेंट के थ्रू ही हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद साहब, अब जो है रामनाथ कोविंद साहब है, उनके पहले प्रणब मुखर्जी साहब थे। तो राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति क्या है? एक औपचारिक प्रधान होते हैं, नाम मात्र होते हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति को तो बहुत सारी कार्यकारी और विधायी, कानून बनाना या कानूनी और आपात शक्तियां दी हुई है अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ गई है। लेकिन वो सारी शक्तियों का इस्तेमाल केवल मंत्रिपरिषद, जो मंत्री, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जितने भी मिनिस्टर बने हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी सलाह पर ही ये लोग काम करते हैं। राष्ट्रपति के कुछ विशेषाधिकार हैं। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की जो कार्रवाई है उसके बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ये जिम्मेदारी बनती है प्राइम मिनिस्टर की कि वो प्रेसिडेंट को सारी जानकारियां देते रहे। और राष्ट्रपति के कुछ विशेषाधिकार भी हैं, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति बिल्कुल ही अलंकारिक है। राष्ट्रपति की अगर पोस्ट है तो कुछ ना कुछ तो विशेषाधिकार है। एक तो ये है कि अगर संसद ने कोई बिल पास किया, वो उनके पास पहुंचा राष्ट्रपति के पास, तो वो दोबारा लौटा सकता है कि इस पर पुनर्विचार करिए। दूसरा है वीटो शक्ति है। अगर कोई ऐसी चीज़ आ गई जो राष्ट्रपति नहीं चाहते हैं कि उसको आगे बढ़ाएं, तो वो अपने पास रख सकते हैं, इसके लिए कोई टाइमिंग नहीं है, वो अपने पास जेब में रख के बैठ सकते हैं। इसको हम जो पॉकेट वीटो है उसको कहते हैं। चुनाव के बाद ये हो सकता है कि कई पार्टीज जो होते हैं उनके नेता सामने आ जाए, किसी को मेजॉरिटी ना मिले, हर नेता बोले कि मुझे ले लीजिए, मैं समर्थन मेरे पास है, मेरे पास बहुमत है। तो ये जो राष्ट्रपति हैं अपने
जो उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है और समझदारी रही है उससे निर्णय करते हैं कि कौन सा बेहतर नेता होगा जिसको मैं बुलाऊं और जो बहुमत सब भी साबित कर लेगा और जो स्टेबल सरकार भी चला लेगा। तो राष्ट्रपति की आवश्यकता क्यों है? जैसे संसदीय शासन में या व्यवस्था में यह होता है, समर्थन अगर ना रहे तो मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होता है, यानी कि जो सरकार है, वो एक तरीके से भंग हो जाती है या उसे हटाया जा सकता है। तो कौन आदमी होगा, कौन ऐसा बंदा होगा जो एक ऐसी पोजीशन पे हो जो अगली सरकार को ला सकता है या किसी को आमंत्रित कर सकता है? तो ये जो राष्ट्र प्रमुख है वही हमारे राष्ट्रपति हैं, जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी अगर हमारे घर में जो दादाजी होते हैं वो हमारे घर का प्रतिनिधित्व करते हैं, हो सकता है कि आपके पिताजी सारा काम करते हो, वो प्राइम मिनिस्टर है आपके घर के। तो राष्ट्रपति की जो अनुपस्थिति होती है, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति का अगर वो नहीं है तो उपराष्ट्रपति उनके लिए काम करते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो भी 5 साल के लिए चुना जाता है, और जिस तरीके से राष्ट्रपति को चुना जाता है सेम तरीका है। और जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। और अगर राष्ट्रपति की किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र हो जाता है या इम्पीचमेंट हो जाता है, महाभियोग चला के उनको हटा दिया जाता है, तो उनकी जो पोस्ट है राष्ट्रपति को भरने तक जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। प्रधानमंत्री की बहुत बहुत बड़ी एक हमारे यहाँ इमेज है, बहुत बड़े आदमी है, सबसे बड़े पदाधिकारी है, और मंत्रिपरिषद जो वो मंत्री बनाते हैं जिन लोगों को। तो प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं, जिनको बहुमत प्राप्त है, मेजोरिटी में जो आए हैं। जैसे ही एक दल या ये कहें ये बहुमत खो देते हैं तो वह सब के सब अपना पद भी खो देते हैं। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान जो होता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का प्रधान ही प्रधानमंत्री होता है, वो तय करता है कि मंत्रिपरिषद में यानी कि उसके कौन कौन से मंत्री होंगे, कोयला मिनिस्ट्री किसको दी जाएगी, एविएशन मिनिस्ट्री किसको दी जाएगी। प्रधानमंत्री अलग अलग मंत्रियों के पद स्तर और मंत्रालयों का आवंटन करता है, कौन कैबिनेट मिनिस्टर होगा, कौन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा। इसी कारण से मंत्रिपरिषद का प्रधान भी वही होते हैं, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री और जितनी भी मंत्री हैं उनके लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर वो संसद के सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर उनको या तो राज्यसभा या फिर लोकसभा का सदस्य बनना पड़ता है। संसद का सदस्य बिना हुए कोई मंत्री भी नहीं बन सकता, ना कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। 6 महीने के अंदर उनको किसी न किसी सदन का मेंबर बनना पड़ता है। मंत्रिपरिषद का आकार कितना होना चाहिए? संविधान के 91वें संशोधन में व्यवस्था की गई है कि मंत्रिपरिषद ऐसा नहीं कि आपके 300 मिनिस्टर चुन के आए तो आपने 300 लोग चुन के आए तो 100 को मिनिस्टर बना दिया, ऐसा नहीं है। जितनी भी स्ट्रेंथ होगी लोकसभा या राज्यसभा की, जैसे अगर 100 आपकी स्ट्रेंथ है लोकसभा की तो केवल 15 आप मिनिस्टर बना सकते हैं। यानी कि राज्यों की विधानसभा में कुल या लोकसभा या राज्यों की जो विधानसभा है उसमें जितने भी सदस्य हैं उनका केवल 15% से ज़्यादा आप मिनिस्टर नहीं बना सकते। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसका मतलब है जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसको त्यागपत्र देना पड़ जाता है, और ये सिद्धांत मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब ये है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरे पूरे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यानी ये पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ जाता है। प्रधानमंत्री का स्थान सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आता है जब प्रधानमंत्री अपने जो उनका पोस्ट है उसके लिए शपथ ग्रहण लेते हैं। प्रधानमंत्री की मृत्यु अगर हो गई या त्यागपत्र उन्होंने दे दिया तो उन्होंने जितने भी मिनिस्टर बना रखे हैं वो सारे के सारे भंग हो जाएंगे, यानी कि सरकार जो है वो भंग हो जाती है। प्रधानमंत्री सरकार की धुरी होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद और दूसरी तरफ राष्ट्रपति और संसद के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं, और संघीय मामलों के प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के बारे में वो राष्ट्रपति को समय समय पर सूचित करते रहते हैं। तो प्रधानमंत्री की शक्ति के स्रोत क्या है, कहाँ से प्रधानमंत्री इतने ताकतवर हो जाते हैं? एक तो वो मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण करते हैं, लोकसभा का वो नेतृत्व कर रहे हैं, मीडिया तक वो पहुँचते हैं, अपनी सारी बातें वो मीडिया के तौर पर कहते हैं, मीडिया का यूज करके कहते हैं। चुनाव के दौरान उनका व्यक्ति का दुभार होता है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रीय नेता यानी कि इंटरनेशनल नेता की छवि उनकी होती है, अधिकारी वर्ग पर आधिपत्य होता है, कंट्रोल होता है, विदेशी यात्राओं में के दौरान वो एक इंटरनेशनल फेम के थ्रू अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, और इस तरीके से और सारी चीजों से प्रधानमंत्री की शक्ति के स्रोत होते हैं। गठबंधन की सरकार, अलायंस की सरकार, जिसमें 2-4 पार्टी मिलकर एक सरकार बनाने की कोशिश करती है, इस कारण से जो प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं उसमें काफी परिवर्तन आया है। 1989 के बाद हमने ये युग देखा 1998 तक।
इनमें कुछ सरकारें लोकसभा में पूरी अवधि तक काम ही नहीं कर पाई, सत्ता में नहीं रह सकी, क्योंकि उनके पास बहुमत उन्होंने खो दिया बीच में। ऐसे में प्रधानमंत्री का पद उतना शक्तिशाली नहीं रहा जितना एक दल के बहुमत वाली सरकार में होता है, जैसे कि आज हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री पद की जो शक्तियां हैं उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं, क्योंकि आज जो है अलायंस, जैसे बीजेपी लेड अलायंस है एनडीए, इस तरीके से कांग्रेस लेड अलायंस है जिसे हम यूपीए कहते हैं, सब लोग अलायंस में हैं, मतलब बहुत सारी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं और फिर अगर वो जीतती हैं तो फिर वो सरकार में आती हैं। तो इनकी शक्तियों में क्या बदलाव आया है प्रधानमंत्री की, एक तो यह प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ गई है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी कि हंग पार्लियामेंट आए तो किसको चूज करना है, किसको बुलाना है सरकार बनाने के लिए, राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ जाती है। राजनीतिक सहयोगियों से परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है, क्योंकि जब अलायंस है तो सबसे बात करनी पड़ेगी। इसी तरीके से प्रधानमंत्री का पहले विशेषाधिकार हुआ करता था, अब उस पर अंकुश लग गया है क्योंकि बाकी पार्टियां भी शामिल है, बाकी लोग भी शामिल है। सहयोगी दल के साथ बातचीत, क्योंकि अब आपने जो सरकार बनाई है उसमें दूसरे पक्ष भी शामिल है, उनके साथ समझौता, मतलब ऐसी नीतियां बनानी पड़ेगी जो एमिकेबल हो, सबको एक्सेप्टेड हो। राज्यों में कार्यपालिका का क्या स्वरूप होता है, राज्यों में एक राज्यपाल होता है जिसे हम गवर्नर कहते हैं, जो केंद्रीय सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी बेसिकली केंद्रीय सरकार द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है, यानी जहां विधानसभा में MLAs जिसको इलेक्ट करते हैं, अपना नेता चुनते हैं, वो मुख्यमंत्री हो जाता है, चीफ मिनिस्टर हो जाता है। बाकी सभी सिद्धांत वही होते हैं जो केंद्र सरकार में जो संसदीय व्यवस्था है उसके कारण लागू होते हैं। प्रधानमंत्री ये देखिए कि स्थायी कार्यपालिका, क्योंकि शुरुआत में हमने बात की थी कि राजनीतिक कार्यपालिका होती है, स्थायी कार्यपालिका होती है, तो स्थायी कार्यपालिका जो जिसे हम कहते हैं कि जो स्टैटिक है, जो चेंज नहीं होगी, नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी, ये सब IAS IPS या जो फिर स्टेट लेवल पे PCS होते हैं वो होते हैं। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और नौकरशाही यानी जो ब्यूरोक्रेट है और जो प्रशासनिक मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी है, वो एक बहुत बड़ा संगठन बनाती है, यानी ये लोग सारे के सारे लोग मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। इन्हें हम नागरिक सेवा कहते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स कहते हैं। तो नौकरशाही में सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले जो प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी हैं, आपको पता है कि किस तरीके से लोग कोशिश करते हैं IAS बन जाए, UPSC क्लियर कर लें या PCS क्लियर कर लें, तो ये लोग समझदार होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, प्रवीण होते हैं, दिमागदार होते हैं, तो वो लोग आते हैं इसमें और उन्हें कानून लागू करने में मंत्रियों की सहायक, मतलब जो कोई कानून बनता है, नीतियां बनती हैं, उनको लागू करने के लिए ये लोग काम करते हैं। भारत में एक जबरदस्त बहुत बढ़िया प्रशासनिक मशीनरी है, लेकिन ये मशीनरी जो है राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। इसका मतलब यह है कि नौकरशाही जो राजनीतिक रूप से तटस्थ है, ये किसी राजनीति या किसी राजनीतिक दल को नहीं फॉलो करते या उसकी तरफ झुके हुए नहीं है। प्रजातंत्र में सरकारें आती जाती रहती हैं, क्योंकि कभी 5 साल में आज एक BJP की सरकार है, हो सकता है अगली बार कांग्रेस की आ जाए, तो इसके लिए जो बेसिक जो बैकग्राउंड है वो कौन तैयार करता है, प्रशासनिक मशीनरी, वो कई नई सरकारों को अपनी नीतियां बनाने और उनको लागू करने में मदद करता है। कोई भी सरकार आए, काम या लागू करने का काम इनका है। नौकरशाहों के सदस्यों का चुनाव नौकरशाही में अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार में कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी एवं प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित है। तो भारत में जो सिविल सेवा है उसके सदस्यों की भर्ती UPSC करता है। सिविल सेवा IAS IPS इनको ये UPSC इलेक्ट कर वो करता है। पहले इनका एग्जामिनेशन होता है, फिर इनका इंटरव्यू होता है, तो बड़े बड़े बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होता है। पहले प्री होता है, मेंस होता है, इस तरीके से काफी लेवल पे जाने के बाद इनको नॉमिनेशन, मुझे कहें अपॉइंटमेंट दिया जाता है। तो ऐसे ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी बनाए गए हैं, जैसे UPSC है, वैसे हर जो स्टेट है उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन है। लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य जो है उनका कार्यकाल निश्चित होता है और उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की गई जांच के आधार पर ही निलंबित या जैसे सस्पेंड या अपदस्थ किया जा सकता है, उनके पोस्ट से हटाया जा सकता है। लोक सेवकों की जो नियुक्ति है वो पूरी तरीके से स्किल के आधार पर होती है, उनके टैलेंट के आधार पर होती है, उनकी जो नॉलेज है उसके आधार पर होती है, दक्षता और योग्यता के आधार पर होती है। संविधान ने पिछड़े वर्गों के साथ साथ समाज के कई वर्गों में जो सरकारी नौकरशाही है उनको बनने का मौका दिया, यानी कि रिजर्वेशन है उनका। तो संविधान दलित और आदिवासी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। तो सिविल सेवा जिसे हम कहते हैं उनका कुछ वर्गीकरण किया जा सकता है, क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, जिसमें अखिल भारतीय सेवाएं हैं, भारत जैसे एग्जांपल हो गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, ऐसी केंद्रीय सेवाएं हैं जो पूरे देश के लिए चलती हैं, भारतीय विदेश सेवा जैसे जो फॉरेन सर्विसेज है, भारतीय सीमा शुल्क है, इसी तरीके से प्रांतीय सेवाएं हैं, डिप्टी कलेक्टर, बिक्री कर अधिकारी,
भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, इनके उम्मीदवारों को कौन कौन अपॉइंट करता है? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी। किसी भी जिले का जो जिला अधिकारी होता है, जिसे हम डीएम कहते हैं, कलेक्टर कहते हैं, वो जिले का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अधिकारी होता है और सामान्यतः ये आईएएस स्तर का अधिकारी होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का अधिकारी होता है। और एक शब्द इसमें आया था जब मैंने आपको बात की थी कि राष्ट्रपति जो है वो कोई भी चीज़ को लेके बैठ सकते हैं जेब में अपने, क्योंकि वो नहीं साइन करना चाहते और उसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, इसको हम पॉकेट वीटो कहते हैं। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता या नहीं देना चाहता तो संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत पुनर्विचार को भी नहीं लौटाता, मतलब वो अपने जेब में रख लेता है, ना लौटाता है, ना उस पर कोई साइन करता है, इसे हम पॉकेट वीटो कहते हैं। तो ये बात हुई इस चैप्टर की, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।